याद रहा। देखो ये जरा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन नंबर 3। सही है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है। 36 वैल्यू से डेटा वॉज गिवन है। सही है, तो समेशन एक्स माइनस 45 माइनस 148 है, होल स्क्वायर 3089 है, मीन और डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो मीन तो निकल जाएगा हमारे पास, क्या सॉरी यहाँ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये प्लस होगा ना, माइनस होगा तो प्लस भी तो करेंगे। ठीक है, तो एक्स बार कितना बन जाएगा, मीन कितना बनेगा, कैलकुलेटर निकालो जरा। समझे, एक्स माइनस 45 की वैल्यू कितनी है, माइनस वन फोर एट। एन कितने हैं, 36 डेटा सैंपल है ना, तो 36 डेटा सैंपल आ गए, फिर प्लस 45 निकालो कितना आ रहा है, 40.8। इनको डिवाइड कर लिया, कितना आ रहा है, 40.88। ठीक है, ये मीन आ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है डेविएशन में निकालना है। ठीक है, तो डेविएशन में निकालो कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, समझ रहे, एक्स माइनस 45 का होल स्क्वायर 3089। सही है, 3089 वैल्यू टोटल कितनी है, 36 माइनस मीन का स्क्वायर, ये -148/36 का स्क्वायर, -148/36 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, डिवीजन 0.11 रूट ले लिया। हाँ, ये हुआ डिवीजन है। ठीक है, अब जो उन्होंने पार्ट टू में सवाल घुमा दिया है, रूट ये पूरा आपने बताया, उसके बाद रूट आएगा ना, स्क्वायर सर 36 पे पूरे पे, पूरे पे पार्ट मुकम्मल हो गया, पार्ट वन। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पार्ट टू में वन एक्स्ट्रा डेटा वैल्यू 29 को ऐड किया है। बहुत सारे डेटा थे, 36 वैल्यूज थी, वी डोंट नो द वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खास वैल्यू बताई है पार्ट टू में कि भाई 36 तो वैल्यू थी, एक हमारे पास एक और एक्स्ट्रा है, 37 वैल्यू, 37th जो वैल्यू है वो 29 हमने टोटल डेटा में ऐड की। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 37 वैल्यूज। अब जाहिर बात है डेविएशन पुराने के मुकाबले अब चेंज हो जाएगा, 37 का अलग होगा ना, 37 का फॉर्मूला क्या बनेगा, होल स्क्वायर तो सेम है यहाँ पे भी, समेशन एक्स माइनस 45 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे एन आ जाएगा 37 और यहाँ आ जाएगा 37। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी, सॉरी मैं गलत कह गया, सेम नहीं है, इसकी वजह क्या है, देखो ये सम यहाँ पे सम पहले कौन सा था, 36 वैल्यूज का सम 45 माइनस करने के बाद, यहां पे क्या था, 36 वैल्यूज का सम लेकिन -45 प्लस होल स्क्वायर करने के बाद, और यहां पे क्या था, -45 डायरेक्ट -45 और फिर उसके बाद सम लिया था। ठीक है, ये तो ओरिजिनल था। अब क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा चेंज होगा, जो हमारे पास एक 37 की वैल्यू आएगी उसका थोड़ा फर्क पड़ेगा ना यहाँ पे सम पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखो एक्स माइनस 45 है ना, तो जो यहाँ की जो वैल्यू होगी एक्स माइनस 45 की, वो क्या होगी, 29 टोटल कितना है, ये तो पुराना था, ये -148 क्या था, 36 था। अपन जाहिर बात, हमने वैल्यू बढ़ा दी तो हमें हमारा सम और बढ़ जाएगा, तो वो कितना पड़ेगा, वो इतना पड़ेगा। देखो अब हमें एक्स ऑलरेडी पता है ना, एक्स इज 29, तो हम एक्स माइनस 45 करेंगे, यानी हर वैल्यूज में से 45 माइनस करके सम लेना है ना, तो नई वैल्यू क्या एडिट 29, तो उस वैल्यू को 45 से माइनस कर दिया, जब प्लस करेंगे तो ये -164 आ गया। ठीक है, ये 37th वैल्यू का सम आया सिर्फ 45 माइनस करने के बाद, स्क्वायर वाला बाद में करेंगे, मुझे स्क्वायर भी चाहिए ना, ये तो हमने कर लिया, ये यहाँ वैल्यू आएगी -164, ये क्या स्क्वायर वाला, ये कैसे करेंगे, स्क्वायर तो हमारे पास था 36 तक 3089 है, तो यहाँ आ गया सम, और
एक हम एक और नई वैल्यू ऐड करवाई तो वो और प्लस होगा ना, तो ये जो नई वैल्यू का वो क्या होगा, माइनस करके होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हर वैल्यू को डेटा को प्लस माइनस 45 से करके होल स्क्वायर लिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जो नई डेटा वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे 45 से फिर होल स्क्वायर लेंगे, तो ये 3345 आ जाएगा। आ गया बताओ, इसको यहाँ प्लेस करो, कैलकुलेटर निकालो, ये कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 3347 माइनस 45 कितना है, 164 माइनस 164 37 का होल स्क्वायर, रूट ले लो कितना आ रहा है। दिस विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम एक नया वैल्यू डेटा ऐड कर रहे हैं जो 29 है, तो ये डेविएशन नई वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, 8.41 इज द डेविएशन अगर हम एक नई वैल्यू ऐड करते हैं 29, सही है, कोई प्रॉब्लम है इसमें?